दो ग्रुप में बांटने के लिए पत्रांक संख्या का जो भी पत्रांक जारी हुआ था एस एस करके कुछ पत्रांक जारी हुआ था आपके व्हाट्सएप पे आया होगा, उसको आप लिख लीजिए और उसके अनुसार लिख दीजिए कि इसके अनुपालन के बाद सूची क्रमांक कितने पर जो भी आपका क्रमांक हो, जो ट्रेनिंग आपने ली थी उसका हवाला दे दीजिए और उस ट्रेनिंग के अनुसार 93 हेतु इस तारीख से हमने FLN कार्यक्रम को लागू किया और सबसे पहले इनको दो ग्रुप में बांटा। दो ग्रुप में बांटने के लिए एक संदर्शिका आपके विद्यालय तक पहुंच गई होगी, उसमें दो निर्देशिका उस निर्देशिका में दो पैराग्राफ पीछे दिए हुए हैं, उस पैराग्राफों को कोशिश करिए कि छुपा करके ही बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि कुछ बच्चे इतने होशियार हैं जो नहीं पढ़ पाते उसको रट लेते हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसमें बेसिक वर्ग में आ जा रहे हैं कई बार, और जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं या कम पढ़ने वाले जिनको कहेंगे पिछड़े हैं वो उसको रट करके एडवांस में आ जा रहे हैं। ये समस्या मेरे साथ आई थी, तो ऐसा हो जा रहा है। तो राधा के पास एक गाय है, गाय चारा खाती है और रोज दूध देती है, ऐसा करके उसमें कुछ लिखा है, अभी भी याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते। तो दो ही पैराग्राफ है, उसी के अनुसार आपको बांटना है ना, तो उसके बाद ऐसे कैटेगराइज कर लीजिएगा और कैटेगराइज करके अपना प्रोग्राम जो भी मोबाइल पर जो भी चीजें दी गई हैं उससे आप चालू कर दीजिएगा। एक ही घंटे का कार्यक्रम है भाषा का और एक घंटा है गणित का। अगर आप 4-5 कंबाइन देख रहे हैं तो आपको 4 घंटे दिन भर में देने पड़ेंगे। अगर आप 4-5 कंबाइन देख रहे हैं जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो आपको 2 घंटे और 2 घंटे, क्योंकि भाषा और गणित दोनों अलग अलग एडवांस और बेसिक को पढ़ाना है, तो 2-4 घंटे आपका प्रोग्राम चलेगा रोज, और 4 घंटे के बाद आपके पास क्या समय बचेगा ये लोग आप सब लोग जानते हैं, देख रहे हैं ना। इस तरीके से इसके पीछे देखिए लिखा है, राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत नीतू के घर में गाय है, उसका रंग सफेद है, गाय हरी घास खाती है, बस इसी तरीके से आप टेस्ट उनका लेना है। जो इन दो पैराग्राफ को पढ़ लेता है वो नदी पार, और जो नहीं पढ़ ले पा रहा है उसको नदी के जरिए रखिए। बस यही जो मानक सेट होके आ रहे हैं वही हम लोगों को करने हैं, और पहले सप्ताह में 15-15 मिनट के कुछ कार्यक्रम हैं, इसमें कुछ रोचक कविताएं हैं, कुछ गीत हैं, सब मोबाइल पे चलाने हैं। मैंने ARP महोदय से संपर्क किया था लेकिन पता चला कोई प्रिंट रिच मटेरियल नहीं आया अभी, तो इसलिए मोबाइल पर जो कुछ है ऑडियो लगाकर आप लोग उसको चला लीजिए, और FLN डालेंगे यूट्यूब पे FLN डालेंगे, तो FLN डालते ही सारे वीडियोज आपके निकल के आ जा रहे हैं। यूट्यूब के वीडियो अच्छे हैं और प्रेरणा में जो दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे रोचक नहीं हैं।